जा रहे है मूली ढोकली। तो मूली बारीक बारीक सुधार के रख दी है और उसकी भाजी भी सुधार सुधार के रख दी है, बारीक बारीक काट दी है। अभी हम मूली भाजी कैसे बनाते हैं रेसिपी बताते हैं। जैसे दाल ढोकली, चोला ढोकली, दाल ढोकली, चोला ढोकली सब बनाते हैं, वैसे ये ढोकली हम बनाएंगे। ये पतंजलि का मक्का का आटा है, उसे मैं बनाने जा रही हूँ आज मूला ढोकली। ये गुजराती रेसिपी है, गुजरातियों में बहुत खाते हैं, इसमें राजस्थानी गुजराती सब मूला ढोकली खाते हैं। तो अभी ये मैंने आटा लिया है, इसको मैं छानूंगी, जाड़ा आटा डालूंगी, जाड़ा आटा घेहूँ का बराबर। ये मैंने आटा लिया है मक्का का, उसमें मैं घोल डालूंगी तेल का। इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें, लाल मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया जीरा, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। तो मसलूंगी बराबर इसको, जैसे मुठिया बनता है ना वैसे ऐसे बनना चाहिए मुठिया ऐसा। ये पानी से मैं आटा गूंथूंगी। आटा डो तैयार हो गया है, इसको अभी हम 15 मिनट रखेंगे। ये मूली और टमाटर है, मैं अभी गैस चालू करूंगी। इसमें माप तेल डालूंगी, इसमें मैं बहुत सारा तेल, इसमें ज़्यादा है, बहुत सारा तेल डालूंगी। तेल को थोड़ा ज़्यादा गर्म करूंगी, तेल में राई डालूंगी, इसमें जाएगा धनिया जीरा, इसमें जाएगा धनिया जीरा, इसमें जाएगी हींग, इसमें डाल देंगे लहसुन, लहसुन का पेस्ट, इसमें मूली डालूंगी मैं। इसको मैं मिलाऊंगी, जोर से उसे मसाला करूंगी। इसमें मैं मसाला करूंगी, इसमें पेस्ट डालूंगी, अदरक और मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, हींग, धनिया जीरा, इसमें लाल मिर्ची, इसको मैं मसाला बराबर मिक्स करूंगी, मसाले को मिक्स करूंगी। स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सेंधा नमक है प्रो का। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाने रखूंगी। इसमें मैं डालूंगी एक गिलास पानी, एक गिलास पानी डाल दिया, रसा वाली ढोकली बनती है। एक किसल से पका दूंगी, कुकर का एक सीटी वाला बजेगा, इसको पका दूंगी। इसमें दो विसल जाएगी, ये
ढोकली रसानी जाएगी। मसाला गरम डालेंगे इसमें। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये ढोकली ऐसे करके इसमें डालेंगे। इसको बोलते हैं मूला ढोकली। ऊपर बंद करेंगे और ढोकली को पकने देंगे। ये देसी रेसिपी है, वो उसमें घी डाल के फिर खाएंगे। सर्व करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको। मूला ढोकली हम खा रहे हैं। वाह, देसी योमी फूड मूला ढोकली। आप भी खाइए, सबको भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप भी मूला ढोकली खाइए, इसमें भर भर के घी डालो। इसमें भर भर के घी डाल के मूला ढोकली खाने में बहुत मज़ा आता है।